हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे रोज़ की तरह आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, साथ ही आज हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ भी। ओके, एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी जोडियक साइन के लिए, टाइमलेस रीडिंग है। तो राइट साइड में हम रखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़, लेफ्ट साइड में रखेंगे हम आपके लिए कुछ कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। फोर एंड फाइव कार्ड्स, ओके, फोर, फाइव। ओके, बॉटम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। आप दोनों बहुत अच्छी जर्नी के ऊपर हैं, ठीक है। आप दोनों की जर्नी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ठीक है, ये हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पार्टनर के लिए कि इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज़ किस चीज़ से कर रहे हैं? अपने गुस्से से, ठीक है, जिससे कि वो डिसीज़न, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर को डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। इन दिनों में आपके पार्टनर से अगर आप बात करेंगे तो वो अपने आप को चेंज करते हुए, आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और आप फील भी करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग एनर्जीज़ में लौट कर आपके पास आएंगे। ओके, इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लाकर और मतलब लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर सिंगल्स की कॉर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ से आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा। हो सकता है आप इनसे कोई लॉ कर रहा हो, कोई टीचिंग कर रहा हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम फाइट कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर में चेंजेस तो दिखाई दे ही रहे हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर, कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जिस भी नेगेटिव एनर्जी में थे, जिस भी जहाँ भी अपने आप को नेगेटिव रखा हुआ था, जिन भी लोगों में थे जो नेगेटिव करते हैं, इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ को चेंज करने के मूड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे आपके पार्टनर, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्शन लेंगे। नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिव होकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है, वह आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक भी हो रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। इन दिनों में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अब आप दोनों के बीच में कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो सब भी मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये कार्ड बहुत अच्छे से आया है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ पिछले दिनों में कुछ तो ऐसा नेगेटिव हुआ है, कुछ तो तूफान से आया है, कुछ ऐसे कि आपके पार्टनर अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब आने वाले समय में अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, तभी इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता चलेगी आपको और आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये कार्ड थे आपके पार्टनर के लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम आपकी एनर्जीज़ क्या ही हैं। ओके, वाव, यहाँ पर मुझे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कार्ड बहुत प्यारे हैं, आपकी एनर्जी की तरफ आई है मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पार्टनर की तरफ से आया वुमेन होल्डिंग हार्ट। इसका मतलब रीयूनियन नज़दीक है, दोनों ही आप दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो जाए, कपल आया है। यहाँ पर आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर और लाइफ को लेकर भी। अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं रहना है, किसी एक पर्सन को डील कीजिए। दो लोगों को दिमाग में, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो दो लोगों को दिमाग में रखकर चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को बंधा हुआ फील नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने करियर में ध्यान दीजिए, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह कंफ्यूज रहे हैं, करियर को लेकर के भी और रिलेशनशिप को लेकर भी। यहाँ पर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने, कंफ्यूज नहीं है, एक पर्सन के लिए
आपके लिए जो आपके पास्ट लाइफ से पर्सन है वो आपको एक रोमांटिक मैसेज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आपसे बातचीत करना। यहाँ पर आप भी मुझे यूनिवर्स में बिलीव करते हुए या करती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूज़न है वो ठीक नहीं है। ये पर्सन आपको अपने दिल की बात कहेगा, वापस से एक बार प्रपोज करेगा, और अगर आप ये दो लोगों में कन्फ्यूज़ हैं तो आपको डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी एनर्जी जिसके लिए भी आई है उसके साथ आपका रीयूनियन होगा। मुझे ये पर्सन आपके पास से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स में बिलीव कर रहे हैं तो कोई साइन मांग लीजिए आप यूनिवर्स से, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको साइन ज़रूर देंगे। ओके, बाय।